नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। रघुवर दास ने संबंध में जमशेदपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। उन्होंने झारखंड और खासकर जमशेदपुर की जनता का आभार जताते हुए बधाई दी। रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक साधारण मजदूर को आज इतनी बड़ी संवैधानिक पद की जिम्मेदारी मिली है, ये बड़ी बात है। पूरे राज्य की जनता, कार्यकर्ता और नेता खुश हैं, कहीं कोई मायूसी नहीं है। ये बड़ी जिम्मेदारी है, पहली बार जमशेदपुर के मजदूर को संवैधानिक पद का दायित्व मिला है। एक कार्यकर्ता जो ओडिशा जैसे राज्य में संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने रघुवर दास को बीजेपी से अलग कर दिया है, राजनीति से। इसी पर हो रही है सियासत। क्या ये फैसला 24 के चुनाव को देखते हुए लिया गया? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है, जिसको लेकर बीजेपी गदगद है, लेकिन कांग्रेस रघुवर दास को राज्यपाल बनाने को लेकर चुटकी ले रही है। जहां बीजेपी रघुवर दास के कद बढ़ने पर बधाइयां दे रही, वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी आला कमान ने उनकी सूबे की सियासत से छुट्टी कर दी है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया है। ऐसे अगर पास उनके सियासी कद की करें तो रघुवर दास 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे। इससे पहले 2009 और 10 में रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के पद पर रहे थे। यानी कांग्रेसी बयानों के जरिए सियासी कटाक्ष कर रहे हैं, कैसे आप वो भी सुनिए। जो अपने हैं वो किनारे हैं, जो बाहर के लोग हैं उनके विश्वास कर रहे हैं। इसका परिणाम रघुवर जी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, बाबूलाल जी बाहर के हैं उनको आपने अध्यक्ष बना दिया, अमर बावरी जी हैं वो भी बाहर के थे उनको आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया, जेपी जी जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे उनको सचिव बना दिया। अब रहा कौन, अल्पसंख्यक उसकी कुछ दे रही है, उससे क्या होने जाना है? जैसे इस प्रदेश में जिम्मेवारी निभाया, उसे ना निभाया, वहां पर इस प्रदेश में जो किया है ना उसी का ना फल है, उसी का तो परिणाम भुगत रहा है। वैसा ना करे वहां जी, वहां पे आदिवासी उनके ही शासनकाल में आपको जहाँ कांग्रेस रघुवर के सम्मान पर सियासत की कथा सुना रही है, तो वहीं बीजेपी इस फैसले से गदगद है और कांग्रेसियों की थ्योरी और उनकी बौखलाहट को करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो अभी दो निर्णय हुए, ये निर्णय पूरे पार्टी को नीचे से लेकर ऊपर दिल्ली तक के नेतृत्व का आईना की तरह चेहरा साफ होता है। एक चीज तय है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जिस मजबूती के साथ 5 साल सरकार चलाया और विकास की गंगा झारखंड में बहाने का काम उन्होंने किया। बीजेपी का लोकसभा चुनाव 24 से पहले रघुवर दास को राज्यपाल बनाने का मकसद कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी का यह तर्क दे रही है। लेकिन पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि ईमानदार और कर्मठ योद्धाओं का हमेशा से सम्मान होता है। अब देखना होगा बीजेपी आने वाले चुनाव 24 में क्या नए पत्ते खोलती है, क्योंकि रघुवर दास का झारखंड में वजूद था, ये देखने वाली बात होगी। अब उनके सियासी कद का इस्तेमाल वो कैसे कर पाती है। रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाने को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। लगातार कांग्रेस तमाम सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि रघुवर दास को राजनीति से बाहर कर दिया गया है। सवाल यह भी निकल कर आ रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का यह निर्णय क्या असर डालेगा, ये तमाम सवाल। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंत अमित, नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी, नेता कांग्रेस, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं परवेज खान, नेता आसू। तीनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जोड़ने के लिए। सबसे पहले अनंत अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
अभिजीत जुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले अनंत अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनंत अमित जी, रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है, क्या 24 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने निर्णय लिया? और इसमें सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है सर, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी आ रही है कि आपने रघुवर दास को राजनीति से अलग कर दिया है। देखिए सुनील जी, दो तीन बातें महत्वपूर्ण है। एक तो आज झारखंड की जनता के लिए बहुत ही उत्साह और बहुत ही काबिले तारीफ है कि झारखंड का एक व्यक्ति उड़ीसा में जाकर राज्यपाल की भूमिका निभाएंगे, और जिनको विगत 14 से 19 तक झारखंड के मुख्यमंत्री का जो अनुभव उन्होंने राज्य को दिया, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि बाबा जगन्नाथ की कृपा से उड़ीसा में जो विकास की गंगा बह रही है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार के द्वारा उनको एक अच्छे सहयोगी, एक अच्छे गार्जियन मिल गए हैं, और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि उड़ीसा में और भी विकास के कार्य और भी गति पकड़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से कांग्रेस के हमारे मित्र जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही विनम्र तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का बयान पूरा देश ने देखा कि उन्होंने ये कहा कि ओबीसी को लेकर एक राजनीति के तहत उन्होंने एक बात कहा और पूरे देश में घूम के और जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और हमारे ऊपर प्रश्न उठा रहे थे कि आपने कितने ओबीसी को आपने किस पद पे दिया। तो मैं कांग्रेस के मित्रों को यह कहना चाहता हूं कि आज रघुवर दास जी की जिस तरीके से नियुक्ति हुई है राज्यपाल के तौर पे उड़ीसा में, तो कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए। और कांग्रेस हमारे पार्टी के अंदर की बातों को कांग्रेस नहीं समझ पाएगी। नहीं, कांग्रेस क्या है? अनंत जी, सवाल इस बात का भी निकल कर आ रहा है कि पार्टी के जो भी धुरंधर हो, सीनियर नेता हो, आप उनको बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं, कहीं और भेज दे रहे हैं। कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि आखिरकार बाहरियों को आप प्रदेश में ला रहे हैं और जो पार्टी के अंदर के उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। सुनील जी, ये हमारे पार्टी के लिए और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, जो मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने की क्षमता रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। उनके लिए ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक मजदूर तबके का आदमी छत्तीसगढ़ से आता है, मजदूरी करता है जमशेदपुर में, और आज वो देश के सिर्फ संवैधानिक पद पर बैठता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, ये कांग्रेस जैसे और अन्य दलों में नहीं हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से रघुवर दास जी को राज्यपाल के तौर पे नियुक्त किया है, पूरी पार्टी में हम उसका स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी हर्षोल्लास के साथ है। हमारा एक एक कार्यकर्ता झारखंड का आज जिस उत्साह में है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की, उतना ही कम है। ठीक है, हमारे साथ तिवारी जी जुड़े हैं। तिवारी जी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है ना सर? बिल्कुल मिलता। तिवारी जी, अनंत अमित जी का ये कहना है कि जो निर्णय लिया गया है, रघुवर दास को राज्यपाल बनाया गया उड़ीसा को, इसको लेते पूरा आज झारखंड गदगद है, खुश है, और इसका नतीजा आगे चलकर 2024 के चुनाव में बीजेपी ले जाएगी। देखिए चौहान पर बात करूं कि रघुवर दास जी झारखंड के थे, पहले तो इसी पर मेरी आपत्ति है। रघुवर दास जी मूल रूप से रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं और इनके यहाँ ये करें तो अच्छी बात है, इनके यहाँ गंगाजल का एक कमंडल है, उस सबको बुला बुला करके गंगाजल छिट देते हैं, वो पवित्र हो जाता है। अब ये इनका कहना है कि एकदम झारखंड का और यहाँ से लेकर दिल्ली तक का गदगद है कार्यकर्ता। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब इनके नेता राजस्थान में अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री और सचिन पायलट जी की बात होती है, तो भारत के प्रधानमंत्री, इनके शीर्ष नेता, मंचों पर ये कहते हुए थकते नहीं हैं कि कांग्रेस अंदर की तो बात देखे, वहां का झंझट तो फरियाए, मेरे पार्टी में ये ताक झांक करते हैं। और जब कांग्रेस इस पर यह बता रही है कि जैसे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी जी को इन्होंने दर्शक दीर्घा में भेज दिया, ये कह रहे हैं कि वह हमारे मार्गदर्शक मंडल के मेंबर है, ये मार्गदर्शक मंडल के मेंबर जिसको बाहर का रास्ता दिखाना होता है ये मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं, ये दूसरे पार्टी के हमारी पार्टी कांग्रेस के बारे में ये कहते हैं तो इनको अधिकार है। और जब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, ये टिप्पणी कर रहे हैं, क्या यह बात सही नहीं है?
कि बाबूलाल मरांडी जी झारखंड विकास मोर्चा से आए, क्या यह बात सही नहीं है? झारखंड विकास मोर्चा से आए हैं बाबूलाल जी, उनको भाजपा में वो भी खुद भी कहते थे कि हमको पहाड़ से कूदना मंजूर है, भाजपा में जाना मंजूर नहीं। उनको बहुत दिन तक इन्होंने विधायक दल का नेता बनाने के लिए टिकाया, उसके बाद अब इन्होंने प्रदेश का कमान दे दिया है। चलिए इनकी पार्टी का बात है ये समझे, लेकिन ये जो बाहरी भीतरी का बात करते हैं, क्या यह सत्य नहीं है कि झारखंड के रहने वाले मूल रूप से रघुवर दास जी नहीं है? रघुवर दास जी मूल रूप से रहने वाले उड़ीसा के भी नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के। तो ये करे सो अच्छा है, अगर दूसरी पार्टी का नेता और पार्टी का कार्यकर्ता अगर कुछ बोलता है, देखिए लक्ष्मी जी, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे रघुवर दास, उसके बाद भी झारखंड की जनता उनको सीएम बनाया, कितना प्यार दिया। चौहान साहब ये नहीं बोला जाए जो रघुवर दास जी को झारखंड के लोगों ने बनाया। अरे ये सब आला कमान से थोपा जाता है, ये अरे सर जनता चुनती है, कैसी बात आप कर रहे हैं सर? कोई विधायक जनता चुनती है सर, लोकतंत्र में जनता ही मुख्यमंत्री को चुनती है, उसके बाद पार्टी आला कमान विधायक दल की बैठक होती है, उसके बाद ये सब डिसाइड होती है, बिना चुने, जनता के बिना चुने वो सीएम बन गए। अच्छा तो ठीक है, इनका कार्यकाल यादगार रहेगा, इससे ये 11 जिला और 13 जिला को पूर्ण रूप से आरक्षित करके 17,500 शिक्षकों की बहाली 2016 से अभी तक लटका हुआ है। सवाल आप समझ नहीं रहे हैं या जवाब आप देना नहीं चाहते, आप कह रहे हैं ये भारी थे, अगर भारी थे तो झारखंड की जनता ने इतना प्यार क्यों दिया उनको? झारखंड की जनता ने प्यार नहीं दिया, ये आदरणीय सीएम बने सर, माननीय प्रधानमंत्री और बहुत बड़ा पद होता है सर, गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्यार दिया है इनको। अच्छा जनता ने चुना नहीं, अगर सुनिए चौहान साहब, इनको प्यार दिया ही रहता तो सरजू राय से ये मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहते हुए हार जाते। मुख्यमंत्री के साथ साथ मिनिस्टर्स भी रहे हैं, एक बार रिसर्च कीजिए और देखिए कि उन्होंने क्या क्या अपना काम किया। अरे सीएम के कुर्सी पर रहते हुए ये हारे कि नहीं सरजू राय से, ये बताइए। हारना जीतना तो लगा रहता है सर, झारखंड के लिए बात कर रहे हैं, इनको बहुत प्यार दिया तो होती है। तिवारी जी, तिवारी जी मैंने पहले जो मैदान में योद्धा होता है सर, हारता भी है जीतता भी है। झारखंड के लोगों ने प्यार नहीं दिया इस बात पर, विधायक रहे 5 बार जमशेदपुर पूर्वी के 5 बार, मैं ग्राफिक्स दिखा रहा हूँ, चल रहे होंगे कि उनका क्या क्या किस किस प्रकार से है, और इनको देखिए एक बार ग्राफिक्स को चलाइए। सुनिए, सक्रिय राजनीति से भारतीय जनता पार्टी ने इनकी विदाई कर दी, अब इन्होंने ये साफ साफ संदेश है तिवारी जी, अगर किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद पे अगर बैठाया जाता है तो ऐसा नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ सर, आपके पास आता हूँ अनंत अमित जी, मेरे साथ स्टेट हेड हमारे झारखंड से अभिजीत दुबे सर जुड़े हैं। अभिजीत जी स्वागत है आपका। अभिजीत जी, जो एक पत्ता खोल दिया भारतीय जनता पार्टी ने, राज्यपाल बना दिया रघुवर दास को, अब जिस पर कांग्रेस एकदम, बीजेपी तो गदगद है और कांग्रेस तमाम सवाल खड़े कर रही है, अब ये क्या इसका अंदाजा लगाया जाए? 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी ने राज्यपाल बनाकर क्या वोट बैंक की सियासत की कि आदिवासी वोट को अपने पाले में लाने के लिए ये इस प्रकार से उनको राज्यपाल बनाया? क्या अंदाजा लगाया जाए, क्या अंदेशा लगाया जाए उनको राज्यपाल बनाने को लेकर, 24 के चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा? जी सुनील जी, झारखंड में अभी भी जो भी राज्यपाल इनको बनाया गया, रघुवर दास जी को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं से ये कई बात नहीं आ सकती है कि इसका फायदा 2024 में मिलेगा बीजेपी को, पहला बात यह है। दूसरा बात यह है कि रघुवर दास को अगर बनाया गया वहां का राज्यपाल, ये लगातार कांग्रेस में अभी बैठे हैं, तिवारी जी ने बोला कि यहाँ की जनता ने उनको प्यार नहीं दिया, तो जनता प्यार नहीं दिया तो 5 साल वो सीएम कैसे रह सकते हैं? फिर कहीं ना कहीं चुन के ही सीएम को बनाया जाएगा, जनता ने भी चुना था उनको, और रघुवर दास का बनाना कहीं ना कहीं बीजेपी बाबूलाल मरांडी के लिए भी हो सकता है कि एक रास्ता साफ किया गया हो, क्योंकि यहाँ सीएम के चेहरे दो नजर आ रहे थे, एक तो रघुवर दास हो रहे थे, एक बाबूलाल मरांडी हो रहे थे, तो हो सकता है ये कि बाबूलाल मरांडी को ही सीएम चेहरा बनाने के लिए रघुवर दास को एक अपना पद देके यहाँ से हटाया गया हो। ये राजनीति के लिए बहुत बड़ा सवाल है, और इसको कहीं ना कहीं सर संजीव जी एक सवाल और निकल कर आ रहा है। अभिजीत जी, सवाल से इस बात का भी निकल कर आ रहा है कि सर अभी विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है,
अगर सीएम के चेहरे को लेकर क्लैरिफिकेशन करना होता बाबूलाल मरांडी को लेकर, आप कह रहे हैं कि रघुवर दास को लेकर, तो अभी समय था, क्योंकि अभी अगर विधानसभा चुनाव से पहले अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो ज्यादा बेटर होगा, और बीजेपी अपनी कोई भी कोशिश को विफल होने नहीं देना चाहती है। वो आदिवासी वोट बैंक पर पूरा दाव लगा रही है, आप चाहे वो कहीं और के भी चुनाव देख लीजिए, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो क्या ये अंदाजा लगाया जाए आदिवासियों को खुश करने के लिए बीजेपी ने राज्यपाल बनाया? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आदिवासी को ही खुश करने के लिए जो भी कोशिशें बीजेपी कर रही है कि जो भी आदिवासी लोग हैं यहाँ पे सरकार में उन लोगों को सताया जा रहा है, आदिवासी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि आदिवासी को सपोर्ट हम करते हैं, उसके लिए अभी उन्होंने एक आवास योजना भी कल लाया था, कल कैबिनेट में पारित किया था कि प्रधानमंत्री योजना से ज्यादा महंगा और ज्यादा लगने। हेमंत सोरेन तो ये कहते हैं कि आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल, उनका कहना यह है कि बीजेपी जब भी सरकार यहाँ रही है यहाँ के लोग आदिवासियों को सताया गया है, आदिवासियों का नाम लेकर अपना जिक्र कर रहे थे वो। जी आदिवासियों को नाम लेके ही, मतलब कभी ये जो आपका ईडी समन का मामला था उसमें उन्होंने कहा कि ये हमको इसलिए सताया जा रहा था कि मैं एक आदिवासी हूँ, तो कहीं ना कहीं बात लेके आदिवासी को लेके ही राजनीति दोनों तरफ से चल रहा है। अमित जी ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। अमित जी, लक्ष्मी जी का साफ तौर पर यह कहना था कि कोई प्यार नहीं मिला झारखंड में, रघुवर दास जी को कोई प्यार नहीं मिला, ने कहा 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे वो, जनता ने चुना है, कह रहे कोई नहीं अमित शाह ने बना दिया था उनको मुख्यमंत्री। देखिए सुनील जी, एक तो तिवारी जी को जानकारियों का अभाव है, 1995 से लेकर लगातार 2019 तक रघुवर दास जी विधायक रहे जमशेदपुर पूर्वी से, और जहां तक ये बात छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि उनके पिताजी जमशेदपुर आते हैं और उनका जन्म जमशेदपुर में होता है, अभी आप नीचे चला भी रहे थे, और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक बार बंपर को चलाइए ग्राफिक्स को। जी सर बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक संवैधानिक पद पर एक झारखंड में जन्मे हुए व्यक्ति को, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को बगल के राज्य में एक गार्जियन के तौर पे मनोनीत करके भेजा है, निश्चित तौर पे झारखंड और उड़ीसा और पूरे देश के लिए ये अभिमान की बात है। और जहां तक अभी मित्र अभिजीत जी कह रहे थे कि कल एक मुख्यमंत्री जी ने एक लॉन्च किया है अबुआ आवास योजना, तो झारखंड आज क्या है, अबुआ राज में बबुआ ने जिस तरीके से खेल कर रखा है और पूरा राज्य जिस तरीके लेकिन से अनंत अमित जी अनंत अमित जी 24 के चुनाव से पहले राज्यपाल बना देना रघुवर दास को, ये साफ दर्शाता है कि आप लोग आदिवासी वोट बैंक को लेने के लिए इस प्रकार से आपने काम किया। सुनील जी मैं महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ दो इस बात को मानना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आपके सारे नेता आप अपने तरफ से बाबूलाल मरांडी को ले लीजिए, चाहे विपक्ष की बात करें हेमंत सोरेन को ले लीजिए, ये सब आदिवासी वोट बैंक के केवल आदिवासी का ही तरफ गेम चल रहा है जो भी। और अगर देखा जाए अनंत अमित जी, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको मानना पड़ेगा कि आदिवासी आपसे नाराज चल रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, देखिए हमने राष्ट्र को राष्ट्रपति के तौर पे एक आदिवासी महिला को हमने किसने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने देश का सर्वोत्तम पद पर किसने बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी। आप आदिवासी के नाम पर राजनीति करते हैं इसका मतलब? नहीं नहीं, हम आप ही कह रहे हैं कि हमने बनाया, ये प्रमोट किया सर साहब, ये सुनील जी ये है कि कांग्रेस पार्टी के आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ लक्ष्मी जी बताइए, लोकसभा से लेके बाहर तक पे जगह जगह पे आप राहुल गांधी जी का प्रवचन सुनिए, तो जातीय आधार पे जिस तरीके से नई राजनीति सारी बातों को आप बिहार में जाकर देख लीजिए, बिहार में जिस तरीके से जातीय जनगणना कराई गई है, बिहार से बिहार के सिनेरियो अलग होते हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते बिहार को और झारखंड को, वहां से आप कंपेयर नहीं कर सकते, वहां की डेमोग्राफी अलग होती है, झारखंड की डेमोग्राफी अलग है, वहाँ के सिनेरियोस अलग होते हैं, वहाँ के वोट बैंक के तरीके अलग होते हैं। लक्ष्मी जी मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा था, मैं सर आपके पास आता हूँ, सर आपके पास अमित जी आपके पास आऊंगा सर। चौहान साहब, यदि आदिवासियों को ये लोग अपमानित नहीं किए होते, अरे अपमानित
आदिवासी महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से एक सेकंड लक्ष्मी जी बोलेंगे उसके बाद आप बोलेंगे जी। मैं कह रहा हूँ कि यदि आदिवासी को ये लगातार अपमानित नहीं करते तो बाबूलाल जी तो चले गए थे झारखंड विकास मोर्चा में। मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ। अर्जुन मुंडा जी थे, रघुवर दास जी को अमित शाह जी ने थोप कर यहाँ जबरदस्ती बैठाकर और अर्जुन मुंडा को यहाँ से आउट किया, कहा दिल्ली चलो। और जब देखा इन लोगों ने कि आदिवासी अपमानित महसूस कर रहे हैं तो ये लोग कहते हैं जाति का बात ये लोग नहीं करते हैं। तब आपको सम्मान पूर्वक कहना चाहिए था कि मैं एक योग्य महिला को बैठा रहा हूं राष्ट्रपति के पद पर। हल्ला किया इन्होंने, राष्ट्रपति को हम बैठा रहे हैं आदिवासी महिला, आदिवासी महिला। राष्ट्रपति के जैसे सम्मानित पद पर आप योग्य व्यक्ति को बैठाइएगा कि आदिवासी को बैठा रहे हैं, ये कहना क्या जरूरी था। एक दूसरा, अभी जब इन्होंने देखा कि बाबूलाल जी मरांडी को ले लाए हैं, अर्जुन मुंडा को वहां भी दा किए हैं, भगा। अब जब तक रघुवर दास जी को यहां से कीक आउट नहीं करेंगे तब तक आदिवासियों का झुकाव नहीं होगा। लेकिन चौहान साहब याद रखिएगा मेरी बात, रहीमन हरी काठ की चढ़त न दूजो बार। जैसा इन्होंने आदिवासियों को अपमानित किया है वो आदिवासी अब इनके नहीं होने जा रहे। ठीक है, जवाब दीजिए। काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती लक्ष्मी जी का कहना है। एक 10 सेकंड और सुनिए। अर्जुन मुंडा को भगाया इन्होंने, बाबूलाल जी को अभी ला के उसको लीपा पोती कर रहे हैं। ये लोग पेमन लगा रहे हैं, देहाती भाषा में फटे हुए कपड़ा में पेमन जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम रघुवर दास जी को हटा दिया है, बाबूलाल जी को सम्मान दे रहे हैं। ठीक है सर, ये सब बेकार की बात है, कोई सुनने वाला नहीं है। अमित जी जवाब दीजिए लक्ष्मी जी की बातों का। सुनील जी बहुत अच्छी बात तिवारी जी ने कहा, मैं तिवारी जी को याद दिलाना चाहता हूँ। अभी आप प्रोमो दिखा रहे थे माननीय इरफान अंसारी जी का, जो माननीय विधायक है कांग्रेस के। कांग्रेस के माननीय विधायक ने जिस तरीके से आदिवासियों पे एक बयान दिया था जो कि पूरे मीडिया का सुर्खियां बना, और हमें याद है कि इंडिया वॉइस पे हमने उसको लेकर चर्चा भी किया था। ये किसका काम है? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस का चरित्र है कि जो दिखाती कुछ और है, बोलती कुछ और है, जो दिख जाता है। और अगर मूल रूप से आदिवासियों को सम्मान देने का अगर किसी ने काम किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आपको मैं सुनील जी बताना चाहता हूं, इंडिया वॉइस के माध्यम से पूरे अपने प्रदेश और देश को बताना चाहता हूं कि वाजपेयी जी की सरकार में आदिवासी मंत्रालय का निर्माण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने पिछले 60-65 वर्षों के कार्यकाल में आदिवासियों को और तमाम ऐसे संख्या के आदिवासियों की स्थिति बदलने का काम किया है। आदिवासियों की तस्वीर नहीं पलट पाई चाहिए थी, वही मैं बता रहा हूँ सुनील जी। आज आदिवासियों के बजट को लेकर एक अलग से बजट बनाया गया है, और उस बजट के तहत जिस तरीके से आदिवासियों के विकास के लिए पूरे देश में काम किया जा रहा है, इसमें जितनी भी तारीफ माननीय नरेंद्र मोदी जी की जाए, झारखंड में आप इतने लंबे समय तक सरकार में रहे सर, झारखंड में इतने लंबे समय तक आप सरकार में रहे, और अगर धरातल पर जाकर अभी देखा जाए आदिवासियों की तस्वीर को तो बदलाव बिल्कुल नहीं है। दोनों पार्टियां चाहे कोई पार्टी हो, रियासत का मुद्दा बना लिया आदिवासी। अब धोना बंद करिए, अब अटल जी और दीन दयाल जी का नाम नहीं लीजिए। मोदी जी ने आदिवासी मंत्रालय किसने बनाया? आदिवासी मंत्रालय किसने बनाया बताइए आप? आदिवासी मंत्रालय किसने बनाया? आप अपने प्रदेश के आदिवासी पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए बनाया, क्यों भगाया? एक आदिवासी नेता का नाम बताइए जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया हो कांग्रेस, क्यों भगाया दिल्ली में? आप बताइए ना, कांग्रेस को बताइए, एक आदिवासी नेता का नाम बताइए। आपके पास तेज बोलने से प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है। ठीक है तिवारी जी, जल्दी से फाइनल कमेंट रखिए सर। अभिजीत सर जल्दी से फाइनल कमेंट। जी बिल्कुल, देखना ये कि आगे वाले चुनाव में ये ट्रंप कार्ड आदिवासी का चलता है क्योंकि नहीं चलता है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने भी जो संकल्प यात्रा निकाला था पूरे प्रदेश में, हर सभा में इनका सिर्फ जो भी भाषण था वो आदिवासी से ही शुरू होता था कि आदिवासी के लिए मैं ये करूंगा वो करूंगा। अगर ऐसा था तो फिर आप सरकार में क्यों नहीं आए? और रही बात तिवारी जी जो बोल रहे हैं आदिवासियों की बात, तो आप धरातल पे जाके देखिए ना, वहाँ नजन योजना है ना स्वास्थ्य की। मैंने सवाल सर इसी से किया अब जी, मैंने सवाल सर इसीलिए किया क्योंकि दोनों सरकार प्रदेश में नहीं है।
चाहे चार साल से अगर देखा जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अलायंस में हेमंत सरकार है, और उससे पहले बीजेपी की सरकार रही, रघुवर सरकार रही, और उससे पहले अर्जुन मुंडा की सरकार रही, तो सवाल तो सर उठेंगे दोनों पार्टियों पर। आदिवासियों के कल्याण के लिए कोई भी योजना धारा दोनों पार्टियों ने आदिवासियों को सियासत में इस्तेमाल किया और उनके हितों के लिए किसी को काम नहीं किया। चौहान साहब, 4 साल और 14 साल में बहुत अंतर होता है। अंतर होता है सर, लेकिन बदलाव भी होता है सर। 4 साल में 2% थोड़ा बहुत बदलाव तो कर सकते थे। आप जाइए पूछिए जाकर झारखंड आदिवासी क्या कहते हैं। बिठाने के लिए अर्जुन मुंडा को भगाया, अब बाबूलाल जी को आगे करके चाहते हैं आदिवासी वोट मिलना। परसेंटेज में भी बांटेंगे तो 10% तो आएगा तिवारी जी, 10% तो सुधार होना चाहिए सर। मान लिया मैं, लेकिन 4 साल और 14 साल में अंतर है श्रीमान। अरे श्रीमान, उसको परसेंटेज में बांटिए तो 10-20% तो आपके हिस्से में। 4 साल में कुछ ना कुछ तो किया होता ना। 4 साल में पहाड़ लुट गए, पेड़ कट गए, जल लुट गया, पानी लुट गया, कहां मेरा कोई पता नहीं चल रहा। इसलिए बनाया आदिवासी लोगों ने, चार बार लगातार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिजीत जी आपका, आनंद जी आपका और लक्ष्मी जी आपका, लेकिन सवाल लगातार उठेंगे। रघुवर दास को राज्यपाल बना दिया गया है क्या? 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राज्यपाल बनाया, कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। इसके बाद यह देखा जा रहा है कि बीजेपी राज्यपाल बनाने के बाद गदगद है और कह रही है कि आने वाले समय में जनता खुश होगी, लगातार आदिवासियों का सम्मान हो रहा है। और फिलहाल पूछता है झारखंड में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।